हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं आपके स्कूल श्री श्याम की कक्षा चौथी की अध्यापिका। आज हम हिंदी आरंभ पाठमाला के पहले पाठ की अभ्यास तालिका करेंगे, बैक एक्सरसाइज। हमने कविता पढ़ी थी, उसके कठिन शब्द करे थे, शब्द अर्थ करे थे, रचनात्मक कार्य किया था। आज हम करेंगे उसकी बैक एक्सरसाइज बुक में। तो सबसे पहले हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें क्या पूछा गया है? कवि अंबे माँ से क्या मांग रहा है? तो कवि अंबे माँ से क्या मांग रहा था? ज्ञान। इसका आंसर आएगा ज्ञान। हमेशा विजयी कौन होता है? सत्य। हमेशा सत्य की विजय होती है, सच की विजय होती है, तो क्या लिखेंगे? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें पूछा है कविता के कवि का नाम है राधेश्याम कुशवाहा, भारतेंदु हरिश्चंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारी कविता के कवि का क्या नाम था? आपने कविता पढ़ी थी, इसमें कवि का नाम था राधेश्याम कुशवाहा। तो हम राधेश्याम कुशवाहा पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, कवि किन गुणों को जीवन का आधार बनाना चाहता है? तो किन को कवि ने जीवन का आधार कहा था? सुंदरता को, धन वैभव को, शारीरिक बल को, सत्य अहिंसा प्रेम तथा एकता को। तो किसको बोला था? सत्य अहिंसा प्रेम तथा एकता। इस पर हम टिक लगा देंगे। देखो कविता में भी लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? सत्य अहिंसा प्रेम तथा एकता पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसे हम पूरा करेंगे। सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने, विनयशीलता मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने, विचलित पथ से कभी ना हों मुझ पर थोड़ा ध्यान दें। ये आपकी कविता में भी दी हुई है, आप इसमें से भी देखकर इसको कर सकते हैं। ये देखो, ये दी हुई विनयशीलता मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने, आप इसमें से देखकर भी पीछे इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इन्हें हम अभी नहीं करेंगे, आपके पीटी में शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, उसी में से देंगे, तो इन्हें अभी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, नए शब्द बनाइए। अब नए शब्द हम कैसे बनाएंगे? इसमें हमें शब्द दिए हुए हैं अलग अलग, उनको जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे। जैसे वीर जमा ता क्या बन गया? वीरता। एक जमा ता एकता। वर जमा दान वरदान। विजय जमा यी विजयी। सु जमा मधुर सुमधुर। वी जमा चलित विचलित। पत जमा वार पतवार। नैतिक जमाता नैतिकता। ये क्या है हमारे? शब्द बनाओ। नेक्स्ट है, वर्ण विच्छेद कीजिए। अब हमें इसमें कुछ वर्ण दिए हुए हैं, हमें इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे जय, ज जमा अ जमा य जमा अ। सदा, स जमा अ जमा द जमा आ। आधार, अ जमा आ जमा ध जमा आ जमा र। र के नीचे हलंत लग जाएगा। एकता, ए जमा ए जमा क, क के नीचे हलंत जमा त जमा आ। विनय, ई जमा व जमा न जमा अ जमा य जमा अ।
जीवन ज जमा ई जमा व जमा अ जमा न जमा अ। लालच ल जमा आ जमा ल जमा अ जमा च जमा अ। विजय ई जमा व जमा ज जमा अ जमा ज जमा य। इनको हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जब हम एक वर्ण का अलग अलग विच्छेद करते हैं, उसकी जो मात्रा आती है, उसमें जो शब्द बोला जाता है, उसको हम अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला क्रम में शब्द लगाइए। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, इसे हम वर्णमाला के हिसाब से लगाना है कि सबसे पहले क्या आता है। अ सबसे पहले आएगा अम्बा, उसके बाद एकता, उसके बाद जय, उसके बाद पथ, भाषा और हमेशा। ये हमारे वर्णमाला के क्रम से करने हैं। नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। अहिंसा, अहिंसा ही हमारे जीवन का आधार बने। अहिंसा पर हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि हमने अहिंसा के ऊपर ही शब्द वाक्य बनाया है। जिस शब्द के ऊपर वाक्य बनता है वह बीच में आना चाहिए। कहीं भी आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो, अहिंसा का कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन अहिंसा आपका उसमें आना चाहिए, उसके ऊपर नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा जीवन। अब हमें जीवन के ऊपर वाक्य बनाना है। हमें जीवन में सदा सच बोलना चाहिए, तो हम जीवन के ऊपर अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे ही आप इसका भी कुछ भी बना सकते हो, पर जीवन बीच में आना चाहिए। वरदान, हे भगवान हमें ज्ञान का वरदान दे, तो आप वरदान पर अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है दिए गए बॉक्स की सहायता से विलोम शब्द लिखिए। आपका ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपके विलोम शब्द के आंसर दिए हुए हैं, तो आपको मैच देखना है कि इसका क्या शब्द बनता है और इसमें से उठाकर उसको यहाँ लिखना है। तो देखिए अहिंसा, अहिंसा का होता है हिंसा। हिंसा देखो इसमें दी हुई है, ये दिया हुआ, आपको हिंसा यहाँ लिख देनी है। प्रेम घृणा, इसमें घृणा भी दी हुई है, ये देखो ये दी हुई घृणा। सत्य असत्य, ये दिया हुआ असत्य। ज्ञान अज्ञान, अज्ञान देखो ये लिखा हुआ। विजय पराजय, ये पराजय। हित अहित, अहित आपका ये लिखा हुआ। जीवन मृत्यु, मृत्यु येरी। मृदु कठोर, कठोर ये। आपके कुछ ये विलोम शब्द दिए हुए हैं, इनके आंसर यहाँ इसमें से छांट कर आपको उनको यहाँ लिखना है। ये थी आपकी अभ्यास तालिका। आपको ये बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी। धन्यवाद।